हेलो दोस्तों, मैं नबी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने लेकर आया हूँ इसी वीवो V21 5G स्मार्टफोन के आपको कैमरा के फीचर्स, कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स, हाइडन फीचर्स आपको बताऊंगा। बहुत ही कमाल की फीचर्स आपको बताया हूँ, आप देखना इस वीडियो को एंड तक। अपने स्मार्टफोन के कैमरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन फीचर्स बताए हैं, थोड़ा एंड तक देखना इस वीडियो को। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ओपन करते हैं कैमरा को। कैमरा ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पर मिलता है नाइट मोड। नाइट मोड में हमको यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं स्टाइल है, स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ये कुछ फिल्टर्स आपको यहाँ पर दिखते हैं और कमाल की बात ये है कि इसके कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्क दिख रहा है, बहुत ही फिल्टर लगा है, तो यहाँ पर कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चार आपको यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाते हैं इसी स्मार्टफोन के, आप देख सकते हैं नाइट मोड में कैमरा के, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप वो सेलेक्ट करके यूज़ कर लेना। उसके बाद एक और फीचर आपके यहाँ पर दिखता होगा लेंस, आप लेंस पर आप क्लिक करेंगे तो सुपर वाइड एंगल है, सुपर वाइड एंगल से भी आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं और कर लेना चाहे तो, और इसको आप बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम और फीचर की हम बात करें, पोर्ट्रेट मोड है। ये पोर्ट्रेट मोड का मतलब होता है मतलब आप ब्लर करना चाहते हैं, ब्लर में फोटोज लेना चाहते हैं, पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होना चाहिए, आप जो खड़े हैं उतना ही अच्छा दिखना चाहिए, आप ही दिखना चाहिए वीडियो फोटोज में और बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, तो इस मोड में ले लेना। और यहाँ पर भी आपको स्टाइल के कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, कुछ ज़्यादा फिल्टर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इस स्मार्टफोन में। इसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में, तो इतने फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर ब्यूटी भी है, यहाँ पर ब्यूटी दिखता होगा, ब्यूटी की कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। ब्यूटी की कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो कमाल की बात है, मतलब आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह हैं तो आप ब्यूटी मोड को ऑन करके लगाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे तो पिंपल्स वगैरह गायब हो जाएंगे, आप खूबसूरत दिखेंगे फोटोज में, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्किन टोन है और व्हाइटनिंग है और थिन फेस है वगैरह वगैरह, यहाँ पर पोज है, ये सब कुछ सेटिंग आप यहाँ पर जो आपको चाहिए उस मोड पर फोटो क्लिक कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें और बोके है, यहाँ पर बोके मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फिल्टर आपको यहाँ पर मिलते हैं बोके मोड में, वो रहेगा। और बोके का ये मतलब ब्लरिंग का कैपेसिटी वगैरह और उसके कुछ फिल्टर्स वगैरह आपको यहाँ पर, ये नया फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और एपेचर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप HDR ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये रहे फिल्टर्स, इतने फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल रहेंगे इसी स्मार्टफोन में। आपको पोर्ट्रेट मोड में इतने फिल्टर मिल रहे हैं और कमाल की बात यह है कि इसकी कैपेसिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो चलिए उसके अलावा यहाँ पर हम आते हैं अभी मेन फोटो मोड में। फोटो मोड में हम आकर देखें भी फीचर्स, तो यहाँ पर आप सबसे पहले चीज़ को कम से कम आप 10x तक जूम कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में, 10x जूम करके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये रहा लेंस, लेंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर बोके मोड भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हैं सुपर माइक्रो मोड में फोटोज ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप सुपर वाइड एंगल, यहाँ पर वो भी मिलेगा फीचर, यहाँ पर वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप HDR भी ऑन ऑफ कर सकते हैं फोटो मोड में, और यहाँ से फ्लैश लाइट भी आपको यहाँ पर देखेगा, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लैश लाइट पर है ना आप फिल ऑटो करेंगे तो फोटो लेने से पहले ही आपको फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, कैमरा ऐप ओपन करने के बाद में इस तरह से ऑन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑफ या ऑटो कर सकते हैं, ऑन कर लेना अगर मैं कहूँ तो, फोटो क्लिक करते वक्त ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, वो बेहतर फीचर है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा और फिल्टर्स, यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स भी मिल जाते हैं फोटो मोड के भी, कुछ नहीं ज़्यादा ही फिल्टर मिलते हैं फोटो मोड के, कितने फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फोटो मोड के, सबसे ज़्यादा फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इसी वीवो V21 स्मार्टफोन में, फोटो मोड के फिल्टर ज़्यादा हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट भी है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये लाइट इफेक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन फीचर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर वो भी आप सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं फोटो, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक और फीचर यहाँ पर, आप जो फोटो क्लिक किया है उसका साइज कैसे आना चाहिए, फुल मतलब यहाँ पर फुल करेंगे तो इस तरह से फुल आ जाएगा, आप फोटो क्लिक करेंगे तो फुल साइज में फोटो आपका आएगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप 1.1 वगैरह वगैरह आप अपने साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो साइज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी साइज में आप फोटो क्लिक करेंगे तो वो साइज में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम आते हैं उसके अलावा यहाँ पर वीडियो मोड में, वीडियो मोड में आएंगे तो कमाल की बात यह है कि इसमें आप 10x जूम तक कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटी मोड भी आपको मिलता है। ये रहा, आप यहाँ पर स्टोन स्किन स्टोन कर सकते हैं, व्हाइटनिंग कर सकते हैं, उसके अलावा ये भी फीचर आपको मिलता है। इसकी कैपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं, ब्यूटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लेंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हैं सुपर वाइड एंगल, सुपर वाइड एंगल में भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो एक आपको फ्लैशलाइट का एक फीचर मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑन होता है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें, इस पर क्लिक करके तो यहाँ से आप यहाँ पर पीछे बैक कैमरा है, सामने फ्रंट कैमरा है, इस तरह से ये भी फीचर आप यूज कर सकते हैं, दोनों कैमरे से यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो के फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये रहे वीडियोज की फिल्टर, और कैपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो के फिल्टर भी आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जो फिल्टर आप रखना चाहते हैं वीडियो के लिए वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक जो आपको एक हाथ का फीचर दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर लेना है। उस पर आप क्लिक करके अल्ट्रा स्टेबल मोड ऑन कर सकते हैं। आप फोन को हिलाएंगे तो वीडियो में ऐसा दिखेगा, आप फोन नहीं हिला रहे ऐसा दिखेगा, तो इस अल्ट्रा स्टेबल मोड में भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोड में आकर देखें तो आप हाई रेगुलेशन में आप 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा एचडी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। मोड में अगर और फ्यूचर की बात करते हैं, पियानो मोड है और लाइव फोटो भी है, जो ब्लरिंग होता है ना पोर्ट्रेट मोड वही होता है, वो लाइव फोटो में भी आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो स्लोमो का एक ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, फीचर स्लोमो भी आप यहाँ पर तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको स्लो मोशन भी मिल रहा है। जैसे आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए स्लो मोशन करना है, या टकाटक के लिए, या जो एप्लीकेशन के लिए आप करना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्लो मोशन का आपको यहाँ पर फीचर मिलता है, एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। एआर स्टिकर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप देख दें ये रहे एआर स्टिकर्स, आप यहाँ पर एआर स्टिकर्स भी यूज कर सकते हैं अपने फोटोज में। उसके अलावा यहाँ पर मोड में आकर देखें तो डबल एक्सपोजर आपको यहाँ पर ये भी मिल जाता है, ये फीचर भी अच्छा है, डबल एक्सपोजर फीचर मिलता है। और कमाल की बात है कि 10x जूम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं, यहाँ पर हम फोटो मोड में आते हैं और सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिस लोकेशन पर आप फोटो क्लिक किया है वो भी बता देगा। उसके ठीक नीचे दिख रहा है मिरर सेल्फी, इसको ऑफ कर लेना, क्योंकि आप इस एंगल से फोटो लेंगे तो इस एंगल से बता देगा फोटो में मिरर हो जाएगा फोटो आपका, इसलिए इसको ऑफ करना है। उसके ठीक नीचे आ रहा है आपको यहाँ पर दिखता होगा काउंट डाउन है, यहाँ पर आप 10 सेकंड कर सकते हैं, 3 सेकंड कर सकते हैं, 5 सेकंड कर सकते हैं। आप 3 सेकंड करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आएगा, आप 10 सेकंड का कर लेना, क्योंकि आप मान लो कि 10 लोग आपके ग्रुप में है, 10 लोग के साथ फोटो क्लिक कर लेना, आपको पूरा ग्रुप का फोटो लेना है, तो आप यहाँ पर 9 लोग ही आएंगे ग्रुप में, क्योंकि एक बंदे के हाथ में फोन होगा, उसलिए आपको क्या करना है 10 सेकंड कर लेना है और ट्राइपॉड में लगा देना फोन को, और फोटो क्लिक करके भाग कर खड़े होना है, भागते जाना है ग्रुप में खड़े होना है। 10 सेकंड के तक आप खड़े होकर जाएंगे ना ग्रुप में, तो 10 सेकंड के बाद में इस तरह से फोटो क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो पूरा ग्रुप का फोटो आएगा। इस तरह से आप इसकी मदद से ग्रुप के साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेमिंग लाइंस है, यहाँ पर जो हैशटैग की तरह लाइंस आते हैं ना यहाँ पर, वो यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा सेटिंग जाकर और देखें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट फ्रेमिंग है, इसको भी ऑन कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर एयर सीन है, यहाँ पर ये ऑन ही रहने देना है, और AI ऑटो फोकस है, यहाँ पर आप ऑटो कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर आप AI ऑटो फोकस एनिमेशन है, यहाँ पर ऑटो फोकस का एनिमेशन यहाँ पर आप रख सकते हैं। बहुत ही फीचर बेहतरीन मिलते हैं आपके यहाँ पर AI ऑटो फोकस यहाँ पर रख लेना, ये तो फिलहाल डिफॉल्ट है। ऑटो फोकस होने के बाद जो एनिमेशन आता है ना वो कैसा आना चाहिए, वो एनिमेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर शूटर दिख रहा है आपको, यहाँ पर टच कर लेना, आप कैमरा ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा, और वॉइस को भी इसको भी ऑन कर लेना, इससे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर वाटरमार्क पर आपको क्लिक कर लेना, टाइम वाटरमार्क पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आप है ना किस वक्त पर फोटो क्लिक किया है, डेट वो बता देगा फोटो के कॉर्नर में। मॉडल वाटरमार्क इसको ऑन करेंगे ना तो किस फोन में आपने फोटो क्लिक किया है वो भी बता देगा, फोन का मॉडल नंबर। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और ऐड कंटेंट पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम या कुछ भी आप डालेंगे तो फोटो के कॉर्नर में वो नाम भी बता देगा। तो बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और प्रो फीचर्स है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। तो चलिए और बैक आना है, बैक आने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी, आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 30 FPS पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फुल HD में आप करेंगे 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वैसे ये है, आपको कैमरा के सेटिंग्स आपको बता दिया, और आप कुछ गड़बड़ कर दिया, सेटिंग्स आप बेकार कर दिया, आपको ठीक से नहीं आया तो यहाँ पर रिसेट पर क्लिक कर देना है। रिसेट पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो जो नया स्मार्टफोन लेने के बाद सेटिंग जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। उसके बाद से एक और बार वीडियो देखकर आप अच्छे से कर सकते हैं। वैसे आपने देख लिया इसी Vivo V21 5G स्मार्टफोन के कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स, हाइडन फीचर्स, कैमरा के फीचर्स। अगर आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 70+ टिप्स एंड ट्रिक्स, हाइडन फीचर्स देखना है, पूरे सेटिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग करने के लिए, अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग करने के लिए,
टॉप 70 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स सर्टेन फीचर्स बताया हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर जाकर देख लेना उस वीडियो को। तो चलिए भी मिलते हमसे एक और वीडियो में दोस्तों, आज के वीडियो में बोलते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा, मिलते हमसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।